नमस्कार किसान भाइयों, अभी सोयाबीन के अंदर कुछ क्षेत्रों से शिकायत आ रही है कि सोयाबीन के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है। सोयाबीन के अंदर अभी एंथ्राक्नोज नाम की बीमारी है, जिसको फली झुलसन भी बोलते हैं। वो बीमारी अभी प्रारंभिक अवस्था में हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, जो पिछले साल के अंदर काफ़ी आई थी, वो भी हमें कुछ कुछ हिस्सों में दिखाई दे रही है। इन बीमारियों का पहचान करना बहुत ही आसान है। सर, आप जब खेत के अंदर जाके देखेंगे कि जो पौधे की जो निचली पत्तियां होगी, उनके नीचे की जो सतह होगी, उनके अंदर जो भी सिराएं हैं, उन सिराओं का भूरा पड़ना इन एंथ्राक्नोज नाम की बीमारी का मुख्य लक्षण है। धीरे धीरे ये आपको कुछ पत्तों के ऊपर भी दिखाई देंगे, जो भूरे कलर के धब्बे के साथ साथ में थोड़ा पीलापन उसके आसपास के इलाके के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद में ये बीमारी तने के ऊपर दिखाई देगी, लेकिन इस अवस्था में ये बीमारी सिर्फ पत्तियों के जो पिछली सतह है उसके अंदर भूरापन ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके साथ में एक और बीमारी है, जो है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। उसके अंदर भी पत्तियाँ पूरी की पूरी मुरझा जाती है और पूरी की पूरी पत्तियाँ झुलस जाती है, पूरी भूरी हो जाती है पत्ती। तो इन दोनों बीमारी को रोकथाम के लिए किसान भाइयों को टेबुकेनाजोल या फिर टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर या फिर पायरोक्लोस्ट्रोबिन या फिर कोई भी पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो तीन कॉम्बिनेशन जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित है, उनका प्रयोग करें। और अगर बीमारी की तीव्रता बढ़ती है 15 दिन बाद में, तो एक बार और उनका छिड़काव कर दें। धन्यवाद।